हो सकता है कि अगर ये सियासी बहरान जो है ये अगर इन्हीं एक हफ्ते के अंदर हल नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है पाकिस्तान में। इत्तलात है कि एक और 9 मई का वाकया पेश आए, एक और 9 मई की प्लानिंग हो रही है, तो 9 मई का रिएक्शन तो कुछ इतना ज्यादा नहीं था। नमस्कार। पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट हुआ क्रैश। बात हो रही है बिलावल भुट्टो देंगे आउटसाइड सपोर्ट या कैसे भी इस गवर्नमेंट को तैरा देंगे। क्यों तैरा देंगे? क्योंकि मैंडेट ऐसा है कि जिसमें कोई भी आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता। इकोनॉमी डूबी हुई है, स्टॉक मार्केट क्रैश की ओर जा रहा है और सहरा बांधे घूम रहे हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ होंगे प्राइम मिनिस्टर और साथ में मरियम नवाज की खबर आ रही है वो होंगी चीफ मिनिस्टर सिंध। लेकिन शहबाज शरीफ की ये कुर्सी जो है वो नवाज के पास जानी थी, नवाज ने क्यों किया इनकार? इसके पीछे भी रीजंस हैं। ऐसी रामशकल गवर्नमेंट को कोई लीड करना चाहता? पहले अड़े हुए थे जरदारी के मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जरदारी का बेटा बोला भाई रामशकल गवर्नमेंट है, कितने दिन की है पता नहीं, इतना कर्जा है पैसा है नहीं, मैं क्यों बनूंगा और कैसे बनूंगा। पीछे हटने का रीजन साफ साफ कि ये कांटो भरा तख्त कौन लेगा? शाहबाज अकेले ऐसे कैंडिडेट सामने आए हैं जो इस कुर्सी को लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? उन्हें पता है जितने भी दिन प्राइम मिनिस्टर हूं बोनस है, वरना मैं तो मेरी तो हैसियत ही नहीं थी प्राइम मिनिस्टर की। मेरा अपनी पार्टी की तरफ से मेरा बड़ा भाई बनेगा या इसके बाद मरियम बनेंगी, और दूसरी पार्टी में मैं कहीं जा नहीं सकता, अपनी एक अलग पार्टी बना के इलेक्शन लड़ो तो सीट नहीं आएंगे। उनके लिए जो भी है उनके लिए बोनस डेज हैं, तो वो इन बोनस डेज का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच जाएंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ असलान साहब, जो कि आप जानते हैं अच्छी तरह से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काफी टाइम से एनालिसिस दे रहे हैं, पहले भी हमारे चैनल पे आ चुके हैं। असलान साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। असलान साहब, मैंडेट तो किसी और का था, कैदी नंबर 804 का। अब ये सारे के सारे उस कैदी नंबर 804 के नाम पे ऐश करने जा रहे हैं जिनको मैंडेट नहीं है। बिलावल आउटसाइड सपोर्ट देंगे, ये क्या कुर्सी का खेल है? थैंक यू सो वेरी मच रोहित वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी यू नो दैट आई कैन टॉक ऑन दिस यू नो क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल कुछ इसी तरह का मंजर है, कुर्सी की जंग है, कुर्सी का ही तो ये सारा भूचाल है यहाँ पर जो कि आप देख रहे हैं। और जिस तरह के मामला हो गए हैं, रोजाना एक नई ड्रामाई, एक नई किस्म की सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है। और आज बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो मैं खुद भी देखकर थोड़ा सा मेरा दिमाग चकरा गया था कि ये होने क्या जा रहा है, बजाय इसके कि ये मामला हल की तरफ जाए, ये रोज बरोज पेचीदा होता चला जा रहा है, कॉन्ट्रोवर्शियल होता चला जा रहा है, और रोजाना हमें जो एक नया कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली भी हमें बड़े चैलेंजेस ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं। और स्टॉक मार्केट जिस तरीके से कल 2000 पॉइंट्स की कमी उसमें आई थी, शरीर मंदी का रुझान था, बाद में कहीं जाकर स्टेबल हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो सरमायादार हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनकी जानिब से बड़े जो है वो तहफुजात का इजहार किया जा रहा था कि जो पॉलिटिकली सिचुएशन है गवर्नमेंट की और फिर इलेक्शन की उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि हमें जो है वो उस तरीके से कारोबार या उस तरीके से जो स्टॉक मार्केट के पॉइंट्स में तेजी आती थी, बिजनेस अच्छे होते थे, चीजें अच्छी मैनेज हो जाती थी, वो उस तरीके से नहीं हो पा रही। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तहरीके इंसाफ ने अब बाजाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो गवर्नमेंट बनाएंगे मजलिसे बैतुल मुस्लिमीन के साथ, और ये बड़ा वाज़े ऐलान हुआ है आज बैरिस्टर गौहर चेयरमैन जो करंट पीटीआई के हैं उनकी और जो इमरान खान के लॉयर्स थे उनकी मुलाकात हुई थी अडियाला जेल में उनसे काफी ज्यादा स्ट्रगल के बाद, क्योंकि इलेक्शन के बाद ये पहली मुलाकात बाज़ाब्ता तौर पर इनकी लॉयल और लीगल एडवाइजर टीम्स की इनसे हुई, जिसके बाद उन्होंने कई फैसले किए। हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर का नाम भी सामने आया कि उनको जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया है वजीर आला केपीके के लिए, वो फेवरेट अरकान के तौर पे उभरे सामने, और जिसकी वजह से हमने देखा कि केपी में जो है वो तकरीबन जो आतिफ खान साहब हैं, फिर शहराम तरगई साहब हैं और मुश्ताक साहब हैं, उनकी जानिब से भी ये तीन ग्रुप है जो कि कॉन्फ्लिक्ट सामने आया इख्तलाफात पे बाजाब्ता तौर पर। बाद में उन्होंने मुबारकबाद भी दे दी अली अमीन गंडापुर साहब को, लेकिन अभी भी उनकी जानिब से तहफुजात हैं, ऐसी इत्तला मौसूल हो रही है। देखिये मसला सबसे बड़ा ये है कि पीटीआई जिन जगहों से जीती है वहां तो वो मानने को तैयार है,
कि इलेक्शन बिल्कुल फ्री मतलब एक फेयर इलेक्शन हुआ है, लेकिन जहां से वो हारे हैं वहां पर वो क्लेम कर रहे हैं। और उसका अगर आपको याद हो, मैंने आपको गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी ये चीज बताई थी कि फॉर्म 45 के थ्रू जो भी आरओ ऑफिस के पास जो रिजल्ट है और जो रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 15 पर साइन किए थे वो मेजर रिजल्ट कंसिडर किए जाते हैं। बाद में अगर कोई भी रद्दोबदल कुछ इनके नेटवर्क में प्रॉब्लम तो है, नो डाउट अबाउट इट। अरसलन साहब से बात करेंगे हम, अरसलन साहब की से डिटेल्स लेंगे, अरसलन साहब 2 मिनट में वापस आते होंगे। तब तक मैं आपको बता दूं कि क्या सिचुएशन है, ज्यादा शिकायत मौसूल हो रही है। जी जी आप सुन सकते हैं रोहित? अरसलन साहब आपके, मैं सुन सकता हूँ आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, बीच बीच में गायब हो रहा है। अच्छा आई एम सो सॉरी, अब ठीक है? No problem. हाँ प्लीज, हाँ ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं ये बोल रहा था कि ये मैंडेट चोरी करने के बाद, मैंडेट चोरी करने के बाद किस मुंह से जाएंगे ये लोग पाकिस्तानी पब्लिक के पास? आप किसकी बात कर रहे हैं, पीटीआई की ये जो दीगर पार्टियां हैं उनकी? क्योंकि मैंडेट तो पीटीआई का चोरी हुआ है वो क्लेम कर रहे हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि ये चोरी करने के बाद शाहबाज शरीफ, वोट मिला नवाज शरीफ को, शाहबाज को नहीं। शाहबाज किस मुंह से प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? और शाहबाज तो क्लियरली वोट मिला है उसको, नवाज शरीफ को मैंडेट नवाज शरीफ के हाथ में भी नहीं था। देखिए नवाज शरीफ साहब की भी जो जीत है रोहित, नवाज शरीफ साहब की भी जो जीत है वो मशकूक हो गई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है पीटीआई की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से वाजे तौर पर हारे हैं, और कुछ ऐसे हल्के थे जहां से नतायज कुछ ऐसी है कि नवाज शरीफ की हार हुई है। अगर मैं आपको बताता चलूं, इस टाइम जो करंट पीटीआई क्लेम कर रही है, पीटीआई कह रही है कि उनकी जो केपीके में 44 सीट्स में से वो 42 जीत चुके हैं, सिंध में 61 सीट्स में से वो 16 जीत चुके हैं, पंजाब में 139 सीट्स में से वो क्लेम कर रहे हैं जो कि 115 सीट्स जो है वो जीत चुके हैं, इस्लामाबाद में उनकी 3 सीट्स हैं और बलूचिस्तान में 16 में से आउट ऑफ 4 वो सीट्स ले चुके हैं। तो टोटल वो क्लेम इस टाइम जो है वो 180 सीट्स पीटीआई बाजाब्ता तौर पर ले चुकी है। ये फैक्ट्स ऑफ फिगर उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं। वो आज के कहा गया था बैरिस्टर गौर की जानिब से भी कि हम जो फॉर्म 45 के रिजल्ट्स हैं वो एक वाइट पेपर में सबके साथ शेयर करेंगे, और वो होपफुली जैसे शेयर होगा तो उस हवाले से वो भी मैं आपको भेज के आने वाले डेज में जो होगा जैसी चीजें मजीद क्लियर होंगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उन्होंने ये चीज कही है कि ये तमाम रिजल्ट है और हम सुप्रीम कोर्ट जाकर चैलेंज कर रहे हैं। तो अगर वाकई जो फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग है तो फिर तो वाज़े तौर पर पीटीआई हुकूमत बनाने जा रही है। लेकिन जो अभी करंट सिचुएशन है उसमें नून लीग ये क्रेडिट लेना चाह रही है कि वो गवर्नमेंट बना ले, तो पीपल्स पार्टी में इस टाइम एक बहुत बड़ी चाल चल रही है। और आसिफ जरदारी साहब की जानिब से भी काफी मुलाकातों के बाद जो गुज़िश्ता दिनों से हम देख रहे थे सियासी गहमा गहमी जारी थी, मुलाकातों का सिलसिला जारी था, तो उसके बाद अब आसिफ जरदारी ने ये कह दिया है, पीपल्स पार्टी की जो सीसी कमेटी थी उसकी जानिब से भी सामने कहा जा रहा है कि वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए ठीक है हम बिलावल जो है वो अब नहीं हम नॉमिनेट करें, ना वो बैठे ना वो ओहदा लें, लेकिन हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं, लेकिन हम वोट जो है वो नून लीग को दे देंगे। तो आप ये देखें कि अगर ये सिचुएशन कर दी गई है तो एक बहुत बड़ा एक सियासी बहरान इस तरीके से पैदा हो सकता है, क्योंकि ये मामला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। जब तक ये मामला हल नहीं होगा ये सिचुएशन मजीद क्रिटिकल होती चली जाएगी, और ये किसी भी मुल्क के डेमोक्रेसी के इकोनॉमिकली देखा जाए तो किसी के भी मफाद में नहीं है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये कि पीटीआई खुद भी अब इनको भी लचक दिखानी होगी, नून लीग को भी लचक दिखानी होगी। राइट, फिर से इनका सिस्टम हैंग हुआ और थोड़ी प्रॉब्लम जरूर, क्योंकि अगर ये पार्टीज लचक नहीं दिखाते रोहित जी, अगर ये पार्टीज लचक नहीं दिखाते हैं तो आप ये देखें कि ये मजीद कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा और मुझे फिर आगे हालात मजीद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिर में आकर फिर तीसरी कुव्वत इससे बहुत अच्छे से फायदा उठा सकती है, हो सकता है कि फिर एमरजेंसी का नफाज कर दिया जाए, क्योंकि ये बहरान टलने का नाम नहीं ले रहा। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि रास्ते और हालात मामला ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि अगर ये सियासी बहरान जो है ये अगर इन्हीं एक हफ्ते के अंदर हल नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है पाकिस्तान में। क्योंकि अगर इमरान खान की जानिब से आज वाज़े तौर पर कह दिया गया कि वो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और MQM से किसी सूरत कोई गुफ्तगू शनीद नहीं करेंगे, कोई बातचीत इनसे नहीं हो सकती, कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं हो सकते। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए वाज़ेह तौर पर। अब जो आज बैरिस्टर गौर साहब ने फॉर्म 45 के थ्रू कहा, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज करते भी हैं तो सिंध में भी जो PTI के जो मेम्बरान है उन्होंने जो नतज को चैलेंज किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरखास्त निपटाकर काबिल समाप्त करार नहीं दिया और कहा कि आप लोग जो है वो इलेक्शन कमीशन से इस हवाले से राबता करें, वो उसका बाबा तौर पर फैसला करेगा क्योंकि इलेक्शन तो हो चुका। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज किया जाता है तो देखिए कोर्ट का भी एक अपना प्रोसेस होता है, हेयरिंग होती है, तमाम तर वो दोनों तरफ के जो मामलात हैं उनको वो जहर गौर लाएंगे, फिर उसकी तहकीकात होंगी, कमेटी बनेगी, फिर वो रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो देखिये दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और आपने गवर्नमेंट अब जल्द से जल्द नतज आ चुके हैं, नतज को डिक्लेयर करके जो नतज रोके गए हैं उनको बताकर वाजे तौर पर इन्हें फौरी तौर पर जो है वो हुकूमत साजी करनी होगी। अब शहबाज शरीफ की जानब से अभी कुछ देर पहले मैंने देखा था कि स्टेटमेंट था कि अगर PTI गवर्नमेंट बना सकती है और उनके पास मेजोरिटी है तो वो बना लें, वो शौक से बना लें, लेकिन अगर नहीं है तो फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बना सकते थे गवर्नमेंट और PDM तरह की एक और गवर्नमेंट हमारे सामने आ सकती थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी की जानब से वो रास्ता बंद कर दिया गया है रोहित। तो ये एक बहुत बड़ी चाल है उनकी और ये किसी हद तक बड़े कामयाब रहे इसमें। आप बोल रहे हैं इमरजेंसी लग सकती है, कितने परसेंट चांसेस है कि इमरजेंसी लग जाए? मैं आपको उसका रीजन बता रहा हूँ। देखिए गवर्नमेंट बन सकती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, एक PDM टाइप की जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलाकर वो एक कलेक्टिव एक मखलूत हुकूमत बना सकते थे, ठीक है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी की जानिब से जो चाल चल दी गई है और तहरीक इंसाफ बात करने को तैयार नहीं है, तो देखिये ये तो सियासी बहरान ने जन्म ले लिया ना। अब इसके पीछे भी आई टेल यू हाउ क्या होने क्या जा रहा है, अगर ये गवर्नमेंट बन भी जाती है तो नून लीग की बहुत ही कमजोर तरीन गवर्नमेंट होगी और फिर जाहिर है जो उनके मेंबर्स हैं उनकी तरफ से अगर नॉमिनेट कर दिया जाए, मरियम के हवाले से आपने कहा था कि वो सिंध की जो है वो मिनिस्टर बनेंगी, तो वो सिंध पंजाब में सीएम पंजाब की सीट का उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनको नॉमिनेट किया जा रहा है कि वो बन जाएंगी। जी जी, तो वो उनको पंजाब का उनका कहा गया है, लेकिन अगर ये सिचुएशन हो जाती है इस तरीके से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को वजारत उज़्मा के लिए PM के लिए वोट कर भी देती है, ठीक है, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, तो आप ये देखें कि फिर वो सेनेट में भी अपने मेंबरान खड़े करेंगे और वो जो दीगर जो वज़राए आला के ऑर्डर होंगे चारों सूबे के उसके लिए भी अपने मेंबर्स खड़े करेंगे और जहां नून लीग ने मतलब जो गवर्नमेंट बनाएगी अगर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट पार्टी गवर्नमेंट बना लेती है अगर वो इनका साथ नहीं देंगे या इन्हें ओहदे नहीं देंगे तो ये बड़ी आसानी से जो है रेजिग्नेशन कर सकते हैं और उसके बाद उनकी हुकूमत बड़ी आराम से गिर सकती है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि मुफामत की बादशाह है जरदारी साहब, वो अगर सियासत में उनसे बड़ा खिलाड़ी नहीं है ये आपको मानना पड़ेगा। तो सिचुएशन अभी एक अगर ये सिचुएशन रहती तो उनकी गवर्नमेंट गिर सकती है। अब अगर ये गवर्नमेंट नहीं बनती जो कि नून लीग नहीं मानेगी इस पे, तो देखें जो कतू एक जो कॉन्फ्लिक्ट है एक जो बहरान है वो आईनी बहरान पैदा रहेगा, हुकूमत नहीं है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है और मैं आपको बताते चलूं जून में हमें $24 बिलियन IMF को रिटर्न करने हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ी किस्त है जो कि आपको अदा करनी है जून में। उसके बाद फिर आज मैथ्यू मिलर की जानिब से भी एक स्टेटमेंट आया था कि हम सिर्फ उस हुकूमत के साथ काम करेंगे जिसको अवामी मैंडेट मिला है। तो मेरे ख्याल से रियासत को और इन तमाम पार्टियों को बहुत जल्द से जल्द बैठ के मुल्की मफाद में और डेमोक्रेसी की बका के लिए मेरे ख्याल से डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डिसीजन नहीं लेंगे, अगर सबका फलसफा एक है, सबकी आइडियोलॉजी एक है कि हम कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है, तो लचक का फिर मुजाहरा इन पार्टी को करना होगा। मेरे ख्याल से जो मैंने आपको डेफर्स को कहा था कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर हुकूमत बना ले, जरदारी साहब सदर हो जाए, इनकी जानब से कुछ ना कुछ हो जाए, अगर स्टेट कुछ इंटरफेरेंस करती है तो माइट भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो जाए, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन हो रही है रोहित, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने जा रहा है। और अब नून लीग ने भी एक अपना डिसीजन दे दिया है, पीपल्स पार्टी ने भी अपना एक बड़ी खतरनाक चाल चल दी है
और ये बहरान किसी सूरत टलता हुआ या हल होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। तो जाहिर बात है जब आपके मुल्क में इंतखाबात होने के बाद नतायज आने के बाद अगर एक मखलूक हुकूमत नहीं बनती, मरकज में नहीं बनती, सूबाई सतह पर नहीं बनती, तो जाहिर बात है फिर आपके मुल्क में आईनी बहरान है। जब आईनी बहरान होता है तो उसका फायदा कौन उठाता है? तीसरी कुव्वत। तो एमरजेंसी का ही फिर नफाज होता है, मार्शल ला की राहें हमवार होती हैं फिर। तो अगर डेमोक्रेसी है तो फिर मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए, जिसकी मेजॉरिटी में सीट्स हैं, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है। बिल्कुल अगर फॉर्म 45 के थ्रू कह रहे हैं तो बिल्कुल रिकाउंटिंग होनी चाहिए। और अगर दीगर पार्टी जिसमें ANP, JUI और KP में जो दीगर एक और पार्टी है जमात इस्लामी की जानिब से भी इन पार्टीज की जानिब से कहा जा रहा है कि धांधली हुई है KP में, तो वहां भी रिकाउंटिंग भी होना चाहिए। और अगर वहां पर रिकाउंटिंग होती है कि RO ऑफिस ने उन्हें वैसे ही जितवा दिया, तो फिर हो सकता है कि KP भी इमरान खान के हाथ से निकल जाए जो सीटें या जो मैंडेट वो बता रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जहां से आप जीते हैं आप ये क्लेम करें कि जी हम जीते हैं तो ये फेयर इलेक्शन हुआ है, और जहां से आपके मुखालफीन हार जाए और आप जीत जाए तो वहां मानने को तैयार। लेकिन जहां आपकी हार हो और आपके मुखालफीन जीत जाए और वहां अगर आप ये क्लेम करते हैं कि जी यहाँ पर धांधली हुई है, तो रोहित ऐसा तो नहीं चल सकता ना। यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ द बोथ साइड। फिर आपको दोनों तरफ एक बैलेंस रखकर चलना पड़ेगा। यस रोहित, सुना है कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और कल से प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हो जाएंगे। देखिए रोहित, ये तो मैंने आपको डे बिफोर यस्टरडे जब हमारी बात हुई थी तो आई टोल्ड यू दैट टाइम कि आने वाले दिनों में आपको प्रोटेस्ट होते हुए नजर आएंगे और इसका सिलसिला बढ़ेगा। और परसों कराची के कुछ इलाकों में प्रोटेस्ट शुरू हो गया था, रोड्स बंद होना शुरू हुए थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए फौरन जो है वो पुलिस ने और जो भी इदारे थे उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए रोड्स क्लियर करवाए, चीजें क्लियर करवाई, लेकिन आवाम सड़कों पर निकली थी। बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में जो है वहां पर पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है JUI की जानिब से भी प्रोटेस्ट चल रहा है कि वहां पर धांधली हुई है और जो हाईवे है वहां की उसको बंद कर दिया गया। फिर लियाकत बाजार जो क्वेटा का इलाका है, प्रिंस रोड वगैरह, सैटेलाइट टाउन, इन तमाम जगहों पर किला सैफुल्ला, वहां पर भी हमने देखा कि काफी ज्यादा प्रोटेस्ट मुख्तलिफ मकाम पर चलता रहा है क्वेटा में भी। तो सिचुएशन के प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है और KP में भी जो स्पोक पर्सन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे शेर अफवान मरवत, उनकी जानिब से भी, मरवत साहब की जानिब से भी प्रोटेस्ट किया गया RO ऑफिस के बाहर, और फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कहा गया था। और कल भी हमने देखा था कि मोहसिन नकवी साहब जो है CM पंजाब की अटॉर्नी गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया था कि हो सकता है इत्तलात है कि एक और 9 मई का वाकया पेश आए, एक और 9 मई की प्लानिंग हो रही है। तो 9 मई का रिएक्शन तो कुछ इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जो हमने किया जबकि वो देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा था, क्योंकि स्टेट ने अपनी पावर अपनी रट को दिखाया। तो ये कहा गया कि अगर इस तरह के दोबारा से प्रोटेस्ट होते हैं या इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तो बिल्कुल उसका ताकत से जवाब दिया जाएगा, उसको रोका जाएगा। और 9 मई में जिस तरह से लोगों पर केसेस FIR हुए थे या केसेस फाइल किए गए थे और उन्हें जेल में डाल दिया गया था, उनके बाकायदा ट्रायल हुए, तो उसका उससे खतरनाक नतीजा सामने आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ओपन धमकी, एक तरफ वो कहते हैं कि आपको जो है एहतजाज की इजाजत है, लेकिन दूसरी जानब एहतजाज नहीं करने दिया जाता, क्योंकि जब एहतजाज के लिए कोई निकलता तो आप उसको धर लेते हैं, आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। कोई अगर बेल कराता है तो आप उसके किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी डालकर उसको जेल के बाहर से ही गिरफ्तार करके दोबारा दूसरे मुकदमे में उसकी गिरफ्तारी डाल देते हैं। तो कहने को तो ये कहा जाता है कि जी आजादी जाहिर राय का जो है वो हर शहरी को हक है, लेकिन नजर ऐसा आता नहीं है कि बाकी हक है, क्योंकि रियासत अपनी रिट मनवाती हुई नजर आती है। और किसी भी डेमोक्रेसी में मैंने ऐसा नहीं देखा कि प्रोटेस्ट अगर कोई करे और एक ऐसा प्रोटेस्ट जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो, दैट्स द फंडामेंटल राइट, एंड अगर उसकी आपको इजाजत नहीं होती और आप पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं रोहित, उसके लिए तो आप कुछ समझ सकते हैं ये कितनी पेचीदा सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल से जो अभी आपको मैंने फैक्ट्स और फिगर बताया कि जून में आप हमें जो है 24 बिलियन IMF को रिटर्न कर दें, अमेरिका भी उस गवर्नमेंट के साथ काम करेगा जिसको अवामी मैंडेट हासिल है, और अमेरिका के आज मैथ्यू मिलर साहब के स्टेटमेंट्स के बाद मैंने देखा कि शहबाज शरीफ की जानिब से भी ये स्टेटमेंट आगे कि ठीक है अगर इनमें दम है, अगर आजाद हुकूमत बनाना चाहते हैं तो शौक से बना लें, तो वो पीछे हटते हुए नजर आए। फिर बिलावल की जानिब से भी स्टेटमेंट चेंज हुआ और एक नई चाल चल दी गई कि ठीक है फॉर द टाइम बीइंग हम इस तरीके से हुकूमत बना लेते हैं और हम इन्हें वोट दे देंगे, लेकिन हम कोई भी मतलब जिम्मेदारी या कोई भी हम सीट्स या इस तरह के नहीं लेंगे। तो आप ये देखें कि वो भी विकटों के दोनों तरफ खेलने के लीगली वो एक अपना रास्ता बना लेंगे
और इजीली वो असेंबली तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो इनकी हुकूमत भी नहीं चलने देंगे क्योंकि जहां इनके मफादात नहीं होंगे वहां वो फिर बैक कर जाएंगे। तो इस तरीके से इनकी गवर्नमेंट होते हुए भी इनकी गवर्नमेंट में कोई फायदा नहीं, क्योंकि पावर इनके पास नहीं होगा। और चैलेंजेस बहुत ज्यादा है रोहित, महंगाई अभी मजीद बढ़ेगी, अभी साहब रमजान आ रहा है। जी सर, साहब एक चीज, बाय चांस ये गवर्नमेंट बना लेते हैं, जो कि अभी हम ये स्टेटमेंट देख रहे हैं उस हिसाब से ये गवर्नमेंट बना लेते हैं, बना कितने दिन ये गवर्नमेंट चलने वाली है? एज आई टोल्ड यू दिस इज मच मोर चैलेंजेस, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट अगर बन भी जाए, माजी में भी जब जब उनकी गवर्नमेंट बनी है तो वो ज्यादा नहीं चल पाई, कभी भी वो अपनी मुद्दत जो है वजारत की वो पूरी नहीं कर सके हैं, हमेशा उन्हें हटाया गया है। फिर बाद में वो शोर करते हैं मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। तो इस बार भी मुझे ऐसी लगता है कि वो ज्यादा नहीं चल सकेगी, कहीं ना कहीं दोबारा से ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामला पैदा हो जाएंगे कि बाजाबता तौर पर तो वो हुकूमत में होंगे लेकिन उनके पास पावर नहीं होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी उन्हें एक तरीके से सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो दे देगी लेकिन उन्हें और बैकडोर से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। जहां वो उनके हक में बात नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी कि वहां पर फिर मामला दूसरे होते चले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो हुकूमत साल से भी ज्यादा चल सके। राइट, सो हुकूमत साल से ज्यादा नहीं चल पाएगी, ये बात सही, और इमरजेंसी के चांसेस हैं ऐसा बोल रहे थे अरसलान साहब, देखते हैं क्या होता है, लोग बिल्कुल गेट टू रोहित, चार। ये इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी जिस तरह की सिचुएशन हुई भी है उसमें मुझे यही लग रहा है कि अगर ये मामला हल नहीं हुआ, अगर गवर्नमेंट जो दीगर पार्टी है अगर इन्होंने स्टेट के हक में, कंट्री के हक में नहीं सोचा तो कभी इम्कान है। फिर जाहिर है आखिर में जब आपके पास लीगली कोई रास्ता नहीं होगा, अगर पीटीआई लचक का मुजाहरा नहीं दिखाएगी तो फिर यही सिचुएशन होगी, गवर्नमेंट जाएगी, मतलब गवर्नमेंट नहीं बन सकती तो फिर इमरजेंसी लगनी है, तीसरी कुव्वत ने फायदा उठाना है। थैंक्स अ लॉट अरसलान साहब, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। The pleasure is always mine. Thank you so much, Rohit.